ये देखो हम आ रहे हैं पुष्पा जी के पास। पुष्पा जी कैसी हैं आप? पुष्पा जी तो एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है नया नया शो? नए शो की जो एक्साइटमेंट होती है वो तो है ही, ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है बहुत, और शो अच्छा कर रहा है, एपिसोड्स अच्छे हो रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में भी और देखने में। इनफैक्ट आपको याद होगा मैं आपके गठबंधन के सेट पे आया था, लेकिन तब आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो आज मौका मिल गया बात करने का। कॉमेडी पहले आपने किया है? नहीं, ये कॉमिक नेगेटिव्स बहुत किया है मैंने, मगर एक कॉमेडी शो पहली बार कर रही हूँ। तो कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि ये मेरा परिवार है फिल्मी फिल्मोनिया, और आज की डेट में 5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़ा परिवार है फिर आपका। बड़ा परिवार है, अच्छा है परिवार, जितना बड़ा हो उतनी टीआरपी अच्छी आती है। करेक्ट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए। आज तक मैंने जितने भी शोज किए, मुझे मेरे सारे किरदारों को बहुत 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 प्यार दिया, आपके परिवार वालों ने भी। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि इस शो के पुष्पा को भी बहुत सारा प्यार दे, मैडम सर को बहुत प्यार दे, और हमारा शो अच्छा चले। हम गारंटी देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे और आपको देखने में मज़ा आएगा, कि आप दूसरे दिन का एपिसोड की वेट करेंगे। क्या बात है, आप अपना रियल नाम भी बता दीजिए, बिकॉज लोग ना फॉलो करते हैं आपको इंस्टाग्राम में, 10 जगह जाते हैं बच्चे। मेरा नाम मैं पुष्पा का किरदार निभा रही हूँ मैडम सर में। मेरा नाम, असली नाम है सोनाली नाइक, मेरा इंस्टा अकाउंट भी सोनाली नाइक से ही है, और ट्विटर पे भी हूँ सोनाली पंडित नाइक या सोनाली नाइक, तो दोनों में से कोई, दोनों नाम है मेरे ट्विटर पर भी। Okay. तो देखिए, लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ पे ये बड़ी खड़ूस सास थी गठबंधन में, लेकिन यहाँ पे पुष्पा जी एक अलग ही प्यारी पुष्पा, इसलिए तो पुष्पा को नाम दिया है प्यारी पुष्पा, अलग ही फ्लेवर है। और मैं यकीन करता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि सच में बड़ा कमाल का कैरेक्टर दिख रहा है आपका। बिरयानी वाला मैं ही बनाऊँ, लेकिन मैंने देखा पहले एपिसोड में कमाल का एपिसोड था, और इसलिए मेरा मन किया कि चलो पहले एपिसोड के बाद ही भाई हम लोग मिलवा दें पुष्पा जी को। तो पुष्पा जी बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए शो की, और धमाल करें, कमाल करें, और हेलो सब देखो बे, हैं चौड़े में बोल रहा हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे भाई, तो ये थी हमारी पुष्पा जी, और ये देखो हमारी लखनवी एंड टुंडे कबाब सेंटर, फ्री होम डिलीवरी। नंबर मत जाना भाई, नंबर अलग है, मालूम पड़ा इस पर नंबर फ़ोन करो दर्पण श्रीवास्तव मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? आ जाओ, हम चलते हैं संतोष के पास। ये देखो हमारा संतोषवा बैठा है, भाविका शर्मा, राइट? यस। और इसमें है संतोष, संतोष शर्मा, यहाँ पे भी शर्मा, यहाँ पे भी शर्मा, मतलब शर्मा, मतलब यस, शर्मा करवा लिया है, छोड़ेगा ब्रांड नेम करवा लिया आपने। तो कैसा लग रहा है भाविका? बोलो सर, आ गए, वापस आएंगे, हम वापस आएंगे जल्दी प्लीज। एक कमेंट दे दो दादा बोल के, कि हमको मेरा सेट बहुत कीड़ा देकर के बोला, वही अभी बोल दर्शन भाई, यार ग्रेट। तो ये है जी लखनवी नवाब साहब की बिरयानी की दुकान, बिरयानी एंड टुंडे कबाब सेंटर। तो यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो हालात ये हैं कि फ़िलहाल अभी कोई लजीज बिरयानी खाने आया नहीं है, लजीज बिरयानी कोई खा बैठे हैं लेकिन खाएंगे नहीं ये लोग, अब इस तरफ चलते हैं। ये एक्चुअली में ये मैडम सर का बाहर का एरिया है, यहाँ पे मार्केट बनी हुई है, और ये पेड़ दूर से दिख रहा था असली, लेकिन टक 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 नकली है भाई, ये नकली है। तो ये पेड़ लेकिन कितना प्यारा लग रहा, देखो है ना, और ये बदनाम चाय वाला चाय की दुकान है, चाय की दुकान है, चाय वाला गायब है सामान, लेकिन सही लग रहा है मुझे, असली लग रहा है। छोटी सी लखनऊ की मार्केट बना दी है, और ये नायगांव में सेट है, नायगांव में मैग्नम स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने
जीत गई तो किया मोरे, शोर, जमाई राजा, काफ़ी सारे शोर मैंने यहाँ पे शूट किए थे। आज मैं मैडम सर के सेट प्रवीण नाई की दुकान मकबूल हेयर कटिंग सलून ले भैया, सामान सही लग रहा, कंगी वंगी सही है, ये है नाई वाला। तो ये सब कुछ बगुल पान बीड़ी शॉप, ये सामान देखे ज़रा, अभी सामान रखा हुआ है जैसे पान की दुकान पे होता है, साड़ी की दुकान, साड़ी वाड़ी सूट वूट टंगे हुए हैं, है ना। तो ये सब देखने को आपको मिलेगा आपके अपने शो मैडम सर में। और सामने देखिए जिसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना। और ये देखो यहाँ से देखो कितना प्यारा लगता है, ये दूर तक मार्केट बनी हुई है, बाहर से हम लोग एंट्री है, बाहर से हम लोग आते हैं अंदर, एक तरफ बिरयानी की शॉप, एक तरफ चाय वाले की शॉप, उसके पीछे बाकी छोटी मोटी मार्केट, और ये महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जय हो। तो ये है जी मैडम सर की मार्केट। हमारे नवाब भाई हमारे बदनाम चाय कैंटीन में आए पधारे, वाह वाह वाह, तो ये आज हमारा धन्य हो गया कैंटीन। क्या चल रहा है भाई? अरे मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ बॉलीवुड कलाकार भी तो साथ में। कौन कौन? अरे नाना पाटेकर, नाना भाई आइए। बहुत अच्छा लगता है साला, पूरे बॉम्बे की बिरयानी खा चुका हूँ, लेकिन ये जो नवाब भाई जो बनाता है ना, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यही बोलता हूँ भाई। नाना और कुछ नहीं आया क्या? अरे बहुत से लोग है। कौन? अरे मजनू, 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 बम्बई हुआ नासिक, लड़की हर कोई पटती है, लेकिन पटाने का तरीका होना चाहिए, बिरयानी खाओ और लड़की पटाओ। लेकिन तुम तो चाय बेचते हो, बिरयानी तो मैं बेचता हूँ। तो भाई तो तुम्हारी तो तारीफ कर रहे हैं हम। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा तो तुम चाय किसको पिलाते हो ये बताओ। गारंटी के साथ बिरयानी के बाद चाय पियो, एकदम टेस्टी चलता है। तो ये थे हमारे, और लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ जो ये कैमरा जो पकड़े हुए है, जो मेन कार्यकर्ता है, मेन डायरेक्टर है। बल मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव, आप सब मुझे जानते हैं, और ये भाई सत्यपाल थे जो अभी चाय की दुकान पे थे, और कमाल के एक्टर हैं, कमाल का इंसान, कमाल की सोच रखने वाला इंसान। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्लीज़ आप सब जुड़े रहें और मैडम सर को प्यार करते रहें। और अब चलते हैं हम लोग जो नाई हैं, नाई का रोल प्ले कर रहे हैं जी। कैसे हो भाई तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, ग्राहक कोई है नहीं दुकान। क्यों? कभी किसी के बाल काटता उठता हूँ नहीं, बस उधर खाने मिलता हूँ। तुमने तो अपने बाल ही गोल्डन कर रखे हैं, चक्कर क्या है? तांबे जैसे। तांबे जैसे है ना? हाँ। असली नाम क्या है भाई आपका? अश्वनी राठौर। अश्वनी, तुम मेरे साथ एक शो कर चुका पहले, कौन सा? सर से सरस्वती। सर से सरस्वती किया था आपने, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, और ज्यादा मजा आ रहा है। क्या बात है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी नाई की दुकान चले। सामान तो असली है ना? सब नकली है, एक दो छोड़ के। नहीं यार सब असली है यार, ये सब एक्सपायरी यार, ऑल असली। हाँ सब असली है यार, एक्सपायरी डेट का पता नहीं, सब की उम्र गई 100%। मुझे खुद नहीं पता कौन क्या सामान, रिजेक्टेड माल ही आएगा। अबे तुम ऐसे बोलोगे हमारे प्रोडक्शन हाउस की तो बेइज्जती करवा रहे हो यार, तुम तो बोलो असली है सब। नहीं नहीं, ये मेरा अपना, मैंने नकली तो पूरा सेट है वैसे तो, तुम्हारा तुम्हारा अपना असली है सामान, मैं नकली रखता हूँ, मुझे करना नहीं। चलो बढ़िया, सब बढ़िया लग रहा है। इकबाल, इकबाल कर दो उसमें, वेरी गुड। तो इकबाल से मिल लिए, बदनाम चाय वाले से मिल लिए, और बिरयानी वाले से मिल लिए, और ये मैं दिखाता हूँ कि पोल पट्टी असली है ना भाई? भाई नकली नहीं रखते हमारी दुकान, चाय भी असली देखो हम पी रहे। मुझे वही शक था कि भाई कहीं ऐसा ना हो नकली माल हो। नहीं नहीं नहीं, असली माल है ये, कुल्लर की चाय फेमस है हमारी बदनाम की। और ये सब असली है? ये सारे असली है, और सबका पैसा लगता है। आप लोग चलना, मैं आपको तो जी। पीछे देखो क्रोमा कपड़ा लगा हुआ है, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब सीन दिखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपकी है? हाँ भाई, ये तो मेरी पसंद है। अच्छा ठीक, खरीद लीजिए। मुझे क्या करना है?
और ये कुछ गप्पे मार रही हैं। अरे अरे कौन है ये? कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है बताओ जरा। घर क्या है? क्या है भाई साहब? हमारे मैडम सर को तंग मत कीजिए भाई साहब, पड़ेगा हमारे मैडम सर को तंग मत। संतोष जी काट लूंगी मैं। बाप रे और हम भी चलते हैं अंदर। लो जी हम भी आ गए अंदर। क्राइम चाट, ये थोड़ा बिल्कुल लखनवी स्टाइल में ये पुलिस स्टेशन बना हुआ है। टेबल शेबल लगी हुई हैं, हैं हसीना मैडम की टेबल लगी है और छोटा सा ये देखो हवालात। अच्छा है बंदी गृह, अच्छा है, मस्त एकदम झकास टाइप ये बनाया गया पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस थाना। देख के बड़ा अच्छा लगता है। जय मेहता प्रोडक्शन ने काफ़ी मेहनत किया इसको बनाने के लिए। अरे संतोष शर्मा जी का है ये टेबल, ये देखिए। तो आपको देख के मज़ा आ रहा होगा, ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको। ये पुष्पा जी की टेबल और काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। नहीं कुछ बोलो, कुछ बोलोगे नहीं लाइव है। राहुल स्माइल कर, राहुल स्माइल नहीं कर रहा, उसको डांट पड़ी अभी। ये सामने जो बने हुए कार्यालय और ये माल जब्ती गृह, बेसिकली ये हमारे मेकअप रूम से, तो मेकअप रूम से, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है जैसे पुलिस थाना है लेकिन अंदर मेकअप रूम है। हाँ ये रूम मेकअप, एक मिनट, ये संतोष जी का रूम है। हेलो संतोष जी, मैं रूम दिखाने वाला था। ये देखो, ये देखो, ये संतोष जी का नीट एंड क्लीन रूम जो इनकम्प्लीट है। अभी तक कंप्लीट नहीं। कब होगा कंप्लीट? अभी हमें बनाना है पूरा रूम, जिस दिन मिलेंगे तब देखना। बिल्कुल गुड गुड, बाय बाय। ओह चार की चार, क्या है क्या है? चलिए अब थोड़ी शूटिंग भी देख लेते हैं। ये देखो लड़की बने हुए भाई साहब, बिल्लू जी पे श्रुति के पास गया, यहाँ पे गए, थोड़ा और आगे जाओ और अपने राइट में जहाँ पे जगह है वहाँ पे जाओ, चलो थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा ये यहाँ तक है ना, यहाँ वो रेफरेंस में है, उनको डायरेक्टली बोलेंगे, इनडायरेक्टली इस रेफरेंस में है कि वो उसके पास आ गया, बोलते बोलते फेसिंग आपका ऑडियंस की तरफ है, ऐसा हाँ ये यहाँ पर बोल रहा है। इसके बाद फिर
बोलेट बोलेट बस हाँ ड्राइवर भाई साहब आप दिख रहे हो आ जाओ ओके रेडी यहाँ पे गाड़ी ठुक चुकी है रेडी रोलिंग सबका लुक इधर है ऑलरेडी रोलिंग सबका लुक ऑलरेडी इधर है रोलिंग एक्शन एक मिनट अभी ना ऐसे 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 रहना और क्योंकि मैंने वो लिया है मूछों के साथ अभी तू समझ गई ना मैंने तो शूट मैं क्या भाजी क्या आप करते रहते हो आप हाँ जी हैं संतोष है जी लो जी यहाँ से भी दिखा दूँ संतोष संतोष चलो 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 यहाँ पे थोड़ा पीछे अब दूर से हो गई है क्या 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 तुम लोग क्या सर का सगा रखा यार हटा सबको हटा सबको चल ए क्या रहे यहां पे आप लोग हटे ये हटे ओ आ हटो हटो क्या देख रहे हो अभी कहां पे लगा काम काम करो काम करो हटो 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 और ये क्या है क्या चल रहा है यहाँ पे क्या मुफ्त का टाइम पास हो रहा है मैडम ऐसे करोगे पहले वो उनके पास जाएगी जाए 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 उनके पास जाए मैडम बचाओ आप मैडम बचाओ आप आगे ये देखिए पागल ने क्या किया तूने गाड़ी ठोक दी इसको बोलिए मेरे नुकसान के पैसे थोड़ा इधर रहना थोड़ा इधर ये आप राइट में रहे ये आपको बोलिए मेरे नुकसान के पैसे दे अभी हां तो मिल जाएंगे ना और ऊपर से बोल रहा है कि मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला रही हाँ आप तो ठीक ढंग से आप गाड़ी नहीं चला रही थी मैडम तभी तो दोनों गाड़ियां ठुकी आपस में मैडम आप मेरा वो कीजिए वो क्या वो जो होता है ना वो जो अरे वो आज भी है ना तो कविता गाता है कोई दीवाना कहता पॉलिटिक्स में भी आता है वो विश्वास तो नहीं विश्वास विश्वास मैडम विश्वास कीजिए आप मेरा कुमार विश्वास देखिए मैडम हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं हमारी गाड़ी चलाते हो हमारे लिए ये मैडम सामने से ही बच्चा ने करके और हमारी गाड़ी ठोक दी मैं चलो मोबाइल लेकर चला था मम्मी भी चीजें करती होंगी मैडम अरे नहीं होने कोई नहीं मैडम कहां जा रहे हो तू और मोबाइल लिया ना इधर नहीं नहीं अभी टाइम है क्या नहीं ऐसे कैसे जा सकता है गाड़ी से ठोकी है मेरी ऐसे कैसे जा सकता है मैडम ये ऐसे कैसे जा सकता है जिसने गाड़ी ठोकी है मेरी अरे कैसे जा सकता है पकड़ के रखना छोड़ना मत हां तो मिल जाएगा ना मुझे उनके पैसे तो हाँ तो मिल जाएगा ना तुम्हारा नुकसान का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा सा तो डैमेज हुआ तुम्हारा हाँ इतना भौकाल मचा के रख दिया है सबने सॉरी बोले दूसरे को हाथ में आओ और अपने अपने रास्ते चलो केस क्लोज थैंक यू मैडम थैंक यू दिमाग चला कुछ भी मत बोल ये
वाह ऐसे कैसे पैसे निकाल। देखिए आपने गाड़ी ठोकी है तो उस हिसाब से तो कायदे से मुझे मानने चाहिए आपको मेरे डैमेज के पैसे। ऊपर से ये मेरा 1 लाख का मोबाइल खराब कर दिया आपने, देखिए पूरा डिस्प्ले खराब हो गया है। वो तो आप औरत है इसलिए छोड़ रहे हैं आपको। मेरी मम्मी कहती है कि औरतों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए सलूकी से। जाइए माफ किया आपको। मीनवाइल मीटर चालू दिमाग की किरमट ठोक देख सबने देखा है मेरी गाड़ी इधर उधर ढूंढते आ रही ध्यान कर तेरा। तो बाय द टाइम ये चल ही रहा है इधर। मैं तो रहूंगा नहीं वो चल रहा है मीनवाइल वो लोग आएंगे आपका गलती से अपनी गलती मान और मेरे डैमेज का पैसा निकाल दीजिए। इससे पहले ये बोला क्या है तो मेरा डिस्प्ले खराब कर दिया। वो तो औरत है आप इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं आपको। वो तो हमारी मम्मी कहती है कि औरतों के साथ सलीके से बात करना चाहिए। चाहिए माफ किया आपको। निकलने जा। हाँ चाहिए माफ किया मैंने आपको। ए, क्या जा कहाँ रहा है तू? गलती तेरी है अपनी गलती मान मेरे डैमेज के पैसे दे और यहाँ से निकल। अरे ऐसे कैसे पैसे देते? आपने मेरी गाड़ी को ठोका है पैसे आप तो मुझे मुझे चाहिए मेरे पैसे। अरे चुप इससे पहले नहीं नहीं।